हेलो स्टूडेंट्स, असी काव्यकथा संवेदना किताब के विचों पाठ दसवां शहीद कहानी जी पढ़ चुके हैं। हूँ असी इसकी जी बैक एक्सरसाइज है वो असी करांगे। पहला एक्सट्रैक्ट है सांझे कार्जां लई मरना। नितावियां लई मरण वाले शहीद हुंदे ने, फांसी के रस्से नूं चुम्मण वाले मर्जी वाले हुंदे ने। यह शब्द किस कहानी विचों ले गए ने, कहानीकार का की नाम है। पहला क्वेश्चन है, आंसर है ये शब्द शहीद कहानी विचों ले गए हैं, तो लेखक का नाम है के एल गर्ग है। दूसरा, ये शब्द किसने किसनों क्यों कहे। कहानी विच आंसर है, कहानी विच ये शब्द लेखक अपने जवान हो रहे पुत्र नूं आखदा है जदों पिता कोलों शहीदां बारे प्रश्न पुछदा है। तीसरा प्रश्न, नितावियां अते नथावियां लई मरन वाले शहीद हुंदे ने तों की भाव है। जो लोग आर्थिक तौर पर गरीब होंदे हन उन्हां दा कोई आसरा नहीं हुंदा, अजिहे लोकां लई जीवन कुरबान करन वाले लोग शहीद हुंदे ने। अजिहे लोकां लई जीवन कुरबान करन वाले लोग शहीद हुंदे हन। नैक्सट, फांसी दे रस्से चुम्मण वाले मर्जी वरे हुंदे ने। कहानीकार ने मर्जी वरे शब्द क्यों वरत्या। उन्हां लोकां तो है मर्जी वरे शब्द उन्हां लोकां तो है जो दूसरियां लई जीवन कुरबान करदे हन। अजिहे लोक मर के भी अमर हो जांदे हन, अर्थात वह मरण उपरांत भी हमेशा जिउंदे रहिंदे हन जां जिंदे रहिंदे हन। नैक्सट एक्सट्रैक्ट है, हिस्टरी भी तो पुत बंदे ने ही लिखी है। किसी का ना पा देने ते किसी का ना कढ छड्डन, भावें किसी नूं हीरो बना देन ते किसी नूं जीरो, ये एक्सट्रैक्ट है। पहला क्वेश्चन है, यह वार्तालाप किस कहानी विचों लिया गया है, तो कहानीकार का नाम, यह वार्तालाप शहीद कहानी विचों लिया गया है, तो कहानीकार का नाम है के एल गर्ग। नैक्सट है, ये शब्द किसने किसनों के। कहानी विच ये शब्द कहानीकार अपने जवान हो रहे पुत्र नूं आखता है। नैक्सट है, ये वार्तालाप कदों उचारे गए। जदों पुत्र पुछता है, सुनिया डैडी हुण उन्हां शहीदां दे नाम भी अपनी हिस्टरी की किताब विचों कढ छड्डे ने। जदों बेटा यह क्वेश्चन पुछता है तो बाप दा जिहड़ा सी पिता से आंसर दिता है, हाँ हिस्टरी भी तो पुत बंदे ने ही लिखी है। किसी का ना पा देन ते किसी का ना कढ छड्डन, भावें किसी नूं हीरो बना देन ते किसी नूं जीरो, ये जवाब जिहड़ा उहदा पिता जिहड़ा सी उह दिंदा है। लास्ट है, किसी का ना पा देन ते किसी का कढ छड्डन, भावें किसी नूं हीरो बना देन ते किसी नूं जीरो, तो की भाव है। कहानी विच इस संबंधी उदाहरण है, उदाहरण सहित दस्या गया है कि कालिया का हीरो गोरिया लई हमेशा जीरो ही रहा, तो गोरिया ने अपना जीरो भी हमेशा हीरो बना के ही पेश किया। कहन का भाव यह है कि इंडियन लोग भावें किन्ने भी मेहनती होन, हार्डवर्किंग होन, गोरिया लई हमेशा वो जीरो ही रहे सन। तो गोरा भावें जिन्ना किन्ना भी मर्जी जड़ा सी वह कह लो कि नहीं हार्डवर्क करता, नहीं काम करता, उन्हां दा बेशक वो जीरो सी, पर साढ़े सामने जदों उन्होंने सानू अपना गोरा कोई पेश किया, वह हीरो बना के जिहड़ा सी उन्होंने पेश किया। इहदे विच इह फर्क जिहड़ा दस्सिया गया है कि किसी का ना पा देन ते किसी का ना कढ छड्डन, भावें किसी नूं हीरो बना देन ते किसी नूं जीरो, इहदा भाव अर्थ है। तो बेटा जी, इह सी क्वेश्चन आंसर। असीं सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 कहानियां अते 10 कवितावां इह अहीं कंप्लीट कर चुके हैं। नैक्सट साड़ी बुक जी है एकांगी है, वो साढ़े सिलेबस के पाठ जो चौथा है एकांगी के परतम तक, वनू असी जो नैक्सट वीडियो के करा। थैंक यू।